हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतस किचन। आज मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी सिंपल और टेस्टी डिज़र्ट रेसिपी, फ्रूट सैलड, जो बहुत ही कम चीज़ों से बन जाएगा और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिए है। आप चाहें तो घर की जमी हुई जो मलाई है ना, दूध के ऊपर जो मलाई जमती है, उससे भी बना सकते हैं। तो ये जो क्रीम है इसको हमें फेर लेना है। मैंने यहाँ पर हैंड विस्कर ले रही हूँ, वैसे ही तो क्रीम स्मूथ ही होते हैं, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक विस्कर से ही भी कर सकते हैं। तो हम इसको हाथों से ही बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा स्मूथ करने के लिए ब्लेंड कर लेती हूँ, मतलब विस्कर लेती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऐड किए हैं। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो फिर से क्रीम और जो कंडेंस्ड मिल्क है हमारा, इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ टेक्सचर बना लेंगे इस तरीके से। मैंने ढेर सारे तो कंडेंस्ड मिल्क या फिर मिठाई में जो भी आप कहें डाले नहीं है, इसलिए 2 चम्मच मैंने चीनी ऐड किए है, 1 पिंच काला नमक, जिससे अगर फ्रूट से आपको एसिडिटी होता है तो ये नहीं होगा नमक ऐड करने से। मिक्स कर लेंगे। चीनी को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर मेरी तरह थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। चीनी को थोड़ा सा मैं मेल्ट हो जाने तक रख दूँगी, जो क्रीम है हमारा उसको। इसमें हम सभी फ्रूट्स को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं अनारदाना, थोड़े से केले, नाशपाती और थोड़े से एप्पल। इनको मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। एक एक करके हम जो क्रीम है हमारा उनमें सभी फ्रूट्स को डाल देंगे। चाहे तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके डाल सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। सभी फ्रूट्स ले लेंगे, जैसे कि केले, नाशपाती, एप्पल और अनारदाना। तो सबको हम अच्छे से लेकर मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल कस्टर्ड की तरह थोड़ी सी थिक वाली बनाए हैं। आप चाहे तो फ्रूट ज़्यादा डालकर क्रीम कम करके भी बना सकते हैं, वो भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी फ्रूट्स और क्रीम को और रख देंगे इसको हम फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। होने के बाद अगर आप इसे सर्व करेंगे ना तो बिल्कुल कस्टर्ड की तरह टेस्ट लगेगा, कस्टर्ड से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिए हैं और ऊपर से थोड़े से अनारदाने स्प्रिंकल कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको। फ्रिज से निकाल कर आप इन्हें ठंडा ही सर्व करें, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। Thank you for watching.